हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित है और इस वीडियो में हम मिन्ना नो निहोंगो के लेसन 11 की ग्रामर पढ़ेंगे। मिनासान कोनिचिवा, गुप्ता देस। कोनो चैप्टर निवा लेसन 11 नो ग्रामर पॉइंट ओ बेंक्यो शिमास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोरे देवा हाजिमे माशो। हमने 1 से 10 तक लेकर काउंटिंग पढ़ी है और वो मैंने दूसरी वीडियो में सिखाई हुई है। इचिनी सान योन गो रोकू नाना हाची क्यू जियो, वो दूसरी वीडियो जिसमें मैंने काउंटिंग सिखाई है, उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। और 1 से 10 तक को काउंट करने का एक और तरीका है जो अभी हम पढ़ेंगे। नंबर 1 को बोला जाता है हितोत्स, हितोत्स। 2 फ्टात्स, फ्टात्स। 3 मित्स, मित्स। 4 योत्स, योत्स। 5 इत्स, इत्स। 6 मुत्स, मुत्सु। 7 नानात्सु, नानात्सु। 8 यात्सु, यात्सु। 9 कोकोनोत्सु, कोकोनोत्सु। 10 तो, तो। तो उस वाली काउंटिंग के अलावा ये वाली काउंटिंग याद करनी भी बहुत ज़रूरी है। कौन सी काउंटिंग किस केस में यूज़ करते हैं ये हम एग्जांपल्स के थ्रू अभी समझ जाएंगे। अब काउंटर्स देख लेते हैं हम। काउंटर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको जब हम काउंट करते हैं तो काउंटिंग के बाद ये काउंटर लगाते हैं। ये एक स्पेशल वर्ड होता है। जैसे कि हम इंसानों को काउंट करते हैं तो काउंटिंग का जो नंबर होता है उस नंबर के बाद निन लगाते हैं। जब हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं जैसे कि व्हीकल्स, जैसे कि कार या बाइसिकल्स, तो काउंटिंग के बाद दाई लगाते हैं। और जब कोई पतली चीज़ों को काउंट करते हैं जैसे पेपर, डिशेज, शर्ट्स, सीडीज, तो काउंटिंग के बाद माई लगाते हैं। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमें इंसानों को काउंट करना है तो हमें अगर बोलना है 3 लोग तो 3 को बोलते हैं सान्निन, 3 लोगों को बोलते हैं सान्निन। 5 लोगों को बोलेंगे गोनिन। तो जो 5 की 3 की काउंटिंग है वो काउंटिंग और उसके बाद निन लगाना है लोगों को काउंट करते हुए। इसमें 3 स्पेशल केसेस होते हैं। जैसे 1 पर्सन अगर हमें बोलना है तो उसको बोलेंगे हितोरी, हितोरी। 2 पर्संस को बोलेंगे फ्तारी, फ्तारी। और 4 को वैसे योन बोला जाता है लेकिन जब निन के साथ योन को अटैच करेंगे तो बनेगा योनिन, योनिन। ये स्पेशल केसेस हैं। इसके अलावा जितने भी आप लोगों की बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर नंबर की जैपनीज में काउंटिंग प्लस उसके बाद निन लगाना है। ऐसे ही जब व्हीकल्स की बात कर रहे हैं जैसे कि कार या बाइसिकल्स तो दाई लगाना है सिंपली। किसी पतली चीज़ की बात कर रहे हैं, थिन या फ्लैट चीज़ की बात कर रहे हैं, सीरीज वगैरह की, तो काउंटिंग के बाद माई लगाना है। जैसे कि अगर हमें बोलना है 3 सीडीज, सीडीज की बात करते हुए हमें बोलना है 3 तो बोलेंगे साम माई, साम माई। 3 को बोलते हैं सान और उसके बाद काउंटर लगाना है माई। और भी काउंटर्स देख लेते हैं। काई, काई यूज़ करते हैं टाइम्स, टाइम्स मतलब नंबर ऑफ, नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे कि 3 गुना 4 गुना 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स। तो सिंपली हमें अगर बोलना है 5 टाइम्स तो हम बोलेंगे गोकाई, गोकाई, मतलब 5 टाइम्स। मिनट्स में लगाते हैं फुन। मिनट्स की एक अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मिनट्स को टाइम को कैसे पढ़ते हैं वो सिखाया हुआ है। आप उस वीडियो में से मिनट्स टाइम को कैसे रीड किया जाता है वहाँ से उसको सीख सकते हैं। आर्स को बोलते हैं जिकान, जिकान। अगर हमें बोलना है 4 घंटे 5 घंटे, टाइम पढ़ना अलग है, 3:04, 4:15, वो टाइम बोलना एक अलग चीज़ है। और ये इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे 4 घंटे हो गए, आपको बताना है वहाँ जाने में 5 घंटे लगेंगे, घर से स्टेशन जाने में आधा घंटा लगता है। टाइम इंटरवल की बात जब करते हैं तो काउंटिंग और उसके बाद जिकान लगा देना है आवर्स के लिए। जैसे आपको बताना है कि आपको दिल्ली से लेके जयपुर जाने में 4 घंटे लगेंगे तो आप बोलोगे योजिकान, योजिकान। तो ये ड्यूरेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं हम आवर्स में। टाइम पढ़ना घड़ी में से देख के टाइम बताना अलग है और ये टाइम ड्यूरेशन बताना अलग है। ऐसे ही नेक्स्ट है निची।
तो जो कैलेंडर की मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है, कैलेंडर डेट्स को कैसे पढ़ा जाता है। और जब ड्यूरेशन बतानी होती है नंबर ऑफ डेज में, तो भी बिल्कुल जैसे कैलेंडर में हम डेट्स पढ़ते हैं बिल्कुल सेम तरीके से पढ़ा जाता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है उसमें, जो कि है जब एक दिन हमें बोलना होता है, तो वैसे तो सुइताची बोला जाता है एक तारीख को, लेकिन एक दिन की जब ड्यूरेशन बतानी होती है तो इची नीची बोलते हैं। बाकी दो दिन, तीन दिन, चार दिन, दो दिन से लेके 30-31 दिन तक की जो ड्यूरेशन बतानी होती है वो बिल्कुल कैलेंडर डेट्स के हिसाब से चलता है। तो 2 से 31 तक वो बिल्कुल सेम है। एक दिन बताने के लिए बस इची नीची यूज़ करते हैं, कैलेंडर में जो सुइताची बोलते हैं वो यूज़ नहीं करते। वीक्स में अगर ड्यूरेशन बतानी है तो काउंटर लगता है शिवकान, शिवकान। जैसे कि अगर बोलना है 2 वीक्स तो उसको बोलेंगे निशियुकान, निशियुकान। अब मंथ्स में काउंटर यूज होता है कागेत्स, कागेत्स। अगर आपको बोलना है 2 मंथ्स निकागेत्स, निकागेत्स। अगर आपको बोलना है 3 मंथ्स सांकागेत्स, सांकागेत्स। और ईयर के लिए काउंटर यूज होता है निन, अगर आपको बताने हैं 2 साल निनेन, निनेन। 3 साल साननेन, साननेन। तो ये सारे काउंटर्स, जो बेसिक काउंटर्स हैं जो यूज़ होते हैं जनरली, वो सब हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, और ये आप बार बार जब रिवाइज करेंगे और एग्जांपल्स में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आई बॉट 4 एप्पल्स, इसको जैपनीज में बोलेंगे रिंगो ओ योत्सु खाइमाश्ता, रिंगो ओ योत्सु खाइमाश्ता। रिंगो मतलब एप्पल, ओ पार्टिकल है जो कोई एक्शन करते हुए यूज करते हैं, योत्स हमने काउंटिंग में अभी पढ़ा है, 4 चीजों के बारे में जब बात करते हैं तो योत्स बोलते हैं, 4 की काउंटिंग है योत्स। खाइमास का मतलब होता है खरीदना और उसकी पास्ट टेंस हो गई खाइमाश्ता, तो रिंगो ओ योत्स खाइमाश्ता, मैंने 4 एप्पल खरीदे थे, आई बॉट 4 एप्पल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देर आर 2 फॉरेन स्टूडेंट्स, गाइकोकु जिन नो गाक्सेगा फ्तारी इमास, गाइकोकु जिन नो गाक्सेगा फ्तारी इमास। गाइकोकु जिन मतलब फॉरेन, फॉरनर्स, गाइकोकु जिन मतलब फॉरनर्स, गाइकोकु जिन नो गाक्से मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स, गाइकोकु जिन नो गाक्से मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स। गा पार्टिकल है, हमने 2 लोगों की अभी काउंटिंग पड़ी थी, फुतारी बोलते हैं 2 लोगों को। इमास मतलब हैं, गाइको को जिन्नो गाक्से गा फुतारी इमास मतलब 2 फॉरेन स्टूडेंट्स हैं। आई स्टडीड जैपनीज फॉर 2 मंथ्स इन माई कंट्री, मैंने अपने देश में 2 महीने जैपनीज पढ़ी थी, इसको बोलेंगे कुनी दे निकागेत्सु निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाश्ता, कुनी दे निकागेत्सु निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाश्ता। कुनी मतलब कंट्री, आप जब कुनी बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली अपनी कंट्री को रेफर कर रहे हैं, कुनी दे आपकी कंट्री में जो एक्शन हो रहा है वो आपकी कंट्री में हो रहा है, इसलिए दे पार्टिकल यूज कर रहे हैं, कुनी दे। ड्यूरेशन क्या है 2 महीने, तो उसको बोलेंगे निकागेत्स, ये कागेत्स काउंटर अभी हमने पढ़ा है, महीनों की ड्यूरेशन बताने के लिए कागेत्स काउंटर यूज होता है, तो निकागेत्स मतलब 2 महीने, निहोंगो मतलब जैपनीज, कोई एक्शन हो रहा है इसलिए ओ पार्टिकल का यूज कर रहे हैं, बेंक्यो शिमास मतलब पढ़ना और उसकी पास्ट टेंस होती है बेंक्यो शिमाश्ता मतलब पढ़ा था। कुनी दे कंट्री में निकागेत्स 2 महीने, निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाश्ता जैपनीज पढ़ा था। इकुत्स जो होता है वो ये पूछने के, कितनी चीजें ये पूछने के लिए काम आता है, इकुत्स इज यूज टू आस्क हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मैनी पूछने के लिए इकुत्स का यूज करते हैं जो हमने, और इसका आंसर देते हुए वो काउंटिंग यूज करते हैं जो हमने अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, हितोत्स फुतात्स। एग्जाम्पल से देखते हैं, हाउ मैनी मैंडरिन ऑरेंजेस डिड यू बाय, आपने मैंडरिन ऑरेंजेस कितने खरीदे थे। मिकान ओ इकुत्स खाइमाश्ता का, मिकान ओ इकुत्स खाइमाश्ता का। मैंडरिन ऑरेंजेस को बोलते हैं मिकान।
ओ पार्टिकल यूज़ किया है क्योंकि एक्शन हो रहा है यहाँ पे खरीदने का। इकुत्स मतलब हाउ मैनी, खाईमास मतलब टू बाय, खाईमाश्ता खाईमास की पास्ट टेंस है, का क्वेश्चन मार्कर है। मिकान ओ इकुत्स खाईमाश्ता का मैंडरिन ऑरेंजेस कितने खरीदे थे, और इसका आंसर है आई बॉट एट, आठ खरीदे थे। यात्सु खाईमाश्ता, काउंटिंग अभी हमने पढ़ी थी एक से दस तक की, आठ को बोलते हैं यात्सु, आठ खरीदे थे मतलब यात्सु खाईमाश्ता, आठ खरीदे थे। नान इज यूज्ड विथ काउंटर सफिक्स टू आस्क हाउ मैनी, काउंटर सफिक्स जब यूज होता है उस केस में हाउ मैनी पूछने के लिए नान का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी फॉरनर्स आर देयर इन दिस कंपनी, इस कंपनी में कितने फॉरनर्स हैं। कोनो खाईशानी गायको कुजिंगा नान निन इमास का, कोनो खाईशानी गायको कुजिंगा नान निन इमास का। कोनो खाईशा मतलब दिस कंपनी, नी पार्टिकल है, गायको कुजिन फॉरनर्स, गा अगेन पार्टिकल, नान निन कितने। अब ये देखिए नान क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसे हमें काउंटर सफिक्स के साथ यूज करना है, हम लोगों की बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछते हुए ये क्लियर करना चाहते हैं कि हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो हमने काउंटर लगाया निन जो कि लोगों के साथ लगता है, तो इसलिए उसके साथ पूछने के लिए लगाया जाएगा नान। नान निन मतलब कितने लोग। इमास का क्वेश्चन मार्कर है, का क्वेश्चन मार्कर है, इमास मतलब हैं। कोनो खाईशानी गायको को जिनगा नान निन इमास का, इस कंपनी में फॉरनर्स कितने हैं। आंसर है देर आर फाइव, पांच हैं। गोनिन इमास हमने लोगों को गिनने के लिए पढ़ा था, सिंपली नंबर बोलना है और उसके बाद निन लगाना है, तो पांच फॉरनर्स हैं तो फाइव और उसके बाद हमने लगा दिया निन, गोनिन इमास मतलब हैं, गोनिन इमास मतलब पांच फॉरनर्स हैं। फॉरनर्स यहां पे स्पेशली लिखा नहीं हुआ वर्ड, वो ऑब्वियस है, क्वेश्चन में फॉरनर्स पूछा गया है तो आप सिंपली पांच हैं बोल सकते हो। हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी जैपनीज एवरी नाइट, आप शाम को कितने घंटे जैपनीज पढ़ते हैं। माईबान नानजिकान निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास का, माईबान नानजिकान निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास का। माई मतलब होता है एवरी और बान होता है इवनिंग या नाइट, तो माई बान हो गया एवरी नाइट या एवरी इवनिंग। जिकान हमने पढ़ा था, आवर्स में जब हमें ड्यूरेशन बतानी होती है तो काउंटर लगाते हैं जिकान, और हमें पूछना है कितने घंटे, तो नान जिकान हमने लगाया है, माई बान नान जिकान। निहोंगो मतलब जैपनीज, ओ ऑब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, बेंक्यो शिमास टू स्टडी का क्वेश्चन मार्कर है, माई बान हर शाम, नानजिकान कितने घंटे, निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास का जैपनीज पढ़ते हो, हर शाम को आप कितने घंटे जैपनीज पढ़ते हो। टू आवर्स दो घंटे पढ़ता हूँ, निजिकान बेंक्यो शिमास, निजिकान बेंक्यो शिमास। निजिकान मतलब दो घंटे, बेंक्यो शिमास पढ़ता हूँ, दो घंटे पढ़ता हूँ। दोनों कुराई इज यूज्ड टू आस्क लेंथ ऑफ टाइम, दोनों कुराई आपको अगर पूछना है कि मैं दिल्ली से आगरा जाना चाहता हूँ कितने घंटे लगते हैं, आपको लेंथ ऑफ टाइम पूछना है, कोई काम करने में कितना समय लगता है, तो दोनों कुराई का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी जैपनीज, आपने कितनी देर जैपनीज पढ़ी थी। दोनों कुराई निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाश्ता का, दोनों कुराई निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाश्ता का। दोनों कुराई मतलब कितनी देर, लेंथ ऑफ टाइम आप पूछना चाहते हैं। निहोंगो मतलब जैपनीज, ओ पार्टिकल है, बेंक्यो शिमाश्ता पढ़े थे का क्वेश्चन मार्कर है, आप कितनी देर जैपनीज पढ़े थे। दोनों कुराई निहोंगो ओ बेंक्यो शिमाश्ता का, आपका आंसर है आई स्टडीड इट फॉर थ्री ईयर्स, मैं तीन साल तक पढ़ा था। सान्नेन बेंक्यो शिमाश्ता, सान्नेन बेंक्यो शिमाश्ता। सान्नेन मतलब तीन साल, ईयर को जब गिनती करते हैं ईयर में ड्यूरेशन बताते हैं तो नेन काउंटर सफिक्स है जो लगाया जाता है,
सान्निन मतलब 3 साल, बेंक्यो शिमाश्ता पढ़ा था, 3 साल पढ़ा था। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम ओसाका टू टोक्यो, ओसाका से टोक्यो कितना समय लगता है? ओसाका करा टोक्यो मादे दोनों कुराई खाकारी मास का, ओसाका करा टोक्यो मादे दोनों कुराई खाकारी मास का। ओसाका जगह का नाम है, कांसाई रीजन में है, जो कारा मतलब से, टोक्यो जापान की कैपिटल है, मादे मतलब तक, ओसाका कारा टोक्यो मादे, ओसाका से टोक्यो तक। दोनों कुराई मतलब कितना, दोनों कुराई खाकारी मास का जब कितना समय लगता है, हिंदी में जो हम पूछते हैं कितना समय लगता है, इसको जैपनीज में बोला जाता है दोनों कुराई खाकारी मास का। दोनों कुराई खाकारी मास का मतलब कितना समय लगता है, ये एक फ्रेज की तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, दोनों कुराई खाकारी मास का। इट टेक्स 2.5 आवर्स बाय शिनकानसेन, शिनकानसेन से 2.5 घंटे लगते हैं। शिनकानसेन दे निजिकानहान खाकारी मास, शिनकानसेन दे निजिकानहान खाकारी मास। शिनकानसेन मतलब बुलेट ट्रेन, दे पार्टिकल है, निजिकानहान मतलब 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे, निजिकानहान 2.5 घंटे, खाकारी मास मतलब लगते हैं, बुलेट ट्रेन से 2.5 घंटे लगते हैं। इसके बाद है गुराई, गुराई इज एडिड आफ्टर क्वांटिफायर्स टू मीन अबाउट, जब आप लगभग आपको बताना होता है, लगभग उसके लिए गुराई यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर अबाउट 30 टीचर्स इन आवर स्कूल, मेरे स्कूल में लगभग 30 टीचर्स हैं। गाकोनी सेंसे का सांजुन इन गुराई इमास, गाकोनी सेंसे का सांजुन इन गुराई इमास। गाको मतलब स्कूल, नी पार्टिकल है, सेंसे टीचर्स, गा पार्टिकल है, सांजियोनिन 30 पीपल, पीपल को काउंट करने के लिए निन काउंटर लगता है, सांजियोनिन गुराई मतलब ऑलमोस्ट लगभग, इमास मतलब है, यहाँ पे इसकी रीडिंग सान्निन मैंने लिखी हुई है, ये सांजियोनिन है। गाकोनी सेंसेगा सांजियोनिन गुराई इमास, गाकोनी स्कूल में सेंसेगा टीचर्स, सांजियोनिन 30 गुराई अबाउट इमास हैं, स्कूल में लगभग 30 टीचर्स हैं। इट टेक्स अबाउट 15 मिनट्स, लगभग 15 मिनट लगते हैं। जियोगो फुनगुराई खाकारी मास, जियोगो फुनगुराई खाकारी मास। जियोगो फुन 15 मिनट, गुराई लगभग, खाकारी मास लगते हैं, लगभग 15 मिनट लगते हैं। काई क्वांटिफायर, काई वर्ब, काई हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टाइम्स बताने के लिए काई का यूज किया जाता है, जैसे कि आपको अगर बताना है कि आप मूवी 1 महीने में 2 बार देखने जाते हो तो उसको बोलेंगे इक्का गेट्स नी निकाई एगाओ मीमास, इक्का गेट्स नी निकाई एगाओ मीमास। 1 महीने में 2 बार आप मूवी देखते हैं, 1 महीने की ड्यूरेशन बताने के लिए इक्का गेट्स, इक्का गेट्स मतलब 1 महीना, नी पार्टिकल है, निकाई मतलब ट्वाइस 2 बार, एगा मूवी, ओ पार्टिकल है, मीमास देखता हूँ, इक्का गेट्स नी निकाई एगा ओ मीमास, 1 महीने में 2 बार मूवी देखता हूँ। अब है दाके, दाके का यूज हम तब करते हैं जब हमें बताना होता है कि एग्जैक्टली या ओनली सिर्फ इतना ही, तो दाके यूज होता है, दाके का मतलब होता है ओनली। एग्जाम्पल से देखते हैं, देर इज ओनली 1 फॉरेन एम्प्लॉई इन पावर इलेक्ट्रिक, पावर इलेक्ट्रिक कंपनी में सिर्फ 1 फॉरेन एम्प्लॉई है। पवा देंकी नी गाय कुकुजिन नो शाइन गा हितोरी दाके इमास, पवा देंकी नी गाय कुकुजिन नो शाइन गा हितोरी दाके इमास। आप यहां पे स्ट्रेस कर रहे हो कि सिर्फ एक ही है, इसलिए दाके का यूज किया जा रहा है यहाँ पे, दाके नहीं लगाते तो भी ये सेंटेंस ठीक होता। पावा देंकी मतलब पावर इलेक्ट्रिक, नी पार्टिकल है, गाई को कुजिन फॉरनर, नो शाइन, गाई को कुजिन नो शाइन मतलब फॉरेन का एम्प्लॉय, नेचुरली इंग्लिश में इसे बोलेंगे फॉरेन एम्प्लॉय। गा हितोरी मतलब एक, हितोरी दाके इमास,
सिर्फ हम इसे ये भी बोल सकते थे हितोरी मास, कि फॉरेन एम्प्लॉय एक है, लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं कि फॉरेन एम्प्लॉय सिर्फ एक है, तो वो सिर्फ पे स्ट्रेस डालने के लिए दाके वर्ड का यूज़ होता है। पावा देंकिनी पावर इलेक्ट्रिक कंपनी में गाई को कुछ इन नो शाइन फॉरेन एम्प्लॉय गा हितोरी दाके इमास, सिर्फ एक है। आई हैव ओनली संडेज ऑफ, मेरी सिर्फ संडे को छुट्टी होती है। यासुमीवा निचियो बिदाके देस, यासुमीवा निचियो बिदाके देस। यासुमी छुट्टी को बोलते हैं, यासुमी मतलब छुट्टी, वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, निचियो भी संडे, दाके ओनली दिस है। यासुमी वा छुट्टी, निचियो भी दाके दिस सिर्फ संडे को है। अब इस चैप्टर के सारे ग्रामर पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, उन ग्रामर पॉइंट्स की कुछ एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं। There are 7 tables in the meeting room. पहले मैं आपको मौका दूंगा, आपके पास 5 सेकंड है, आप ट्राई कीजिए इसको जैपनीज में ट्रांसलेट करने की। अगर 5 सेकंड आपको कम लगते हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख कर या पहले वाली वीडियो में पीछे जाकर थोड़ा एग्जाम्पल्स देखकर इसको ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं आप, और नहीं कर पाते तो आगे इसके आंसर्स मैं बताऊंगा ही। तो आपके पास 5 सेकंड है, स्टार्ट। तो देर आर 7 टेबल्स इन द मीटिंग रूम को बोलेंगे काइगीशित्सु नी टेबुरु गा नानात्सु आरिमासु, काइगीशित्सु नी टेबुरु गा नानात्सु आरिमासु। काइगीशित्सु मतलब मीटिंग हॉल, नी पार्टिकल, टेबुरु टेबल, गा नानात्सु आरिमासु 7 हैं, 7 को बोलते हैं नानात्सु, आरिमासु मतलब हैं। काइगीशित्सु नी मीटिंग हॉल में, तेबुरुगा टेबल, नानात्स आरिमास 7 हैं, मीटिंग हॉल में 7 टेबल हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी एप्पल्स डिड यू बाय, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए जैपनीज में, आपके पास 5 सेकंड है, स्टार्ट। तो हाउ मैनी एप्पल्स डिड यू बाय को जैपनीज में बोलेंगे रिंगो ओ इकुत्सु खाइमाश्ता का, रिंगो ओ इकुत्सु खाइमाश्ता का। रिंगो मतलब एप्पल, ओ पार्टिकल है, इकुत्स मतलब हाउ मैनी, खाइमास मतलब खरीदना, खाइमाश्ता पास्ट फॉर्म है खाइमास की, का क्वेश्चन मार्कर है। रिंगो ओ इकुत्स खाइमाश्ता का मतलब एप्पल कितने खरीदे थे आपने, आंसर है आई बॉट 4, 4 एप्पल खरीदे थे। योत्स खाइमाश्ता, योत्स खाइमाश्ता। 4 को बोलते हैं योत्स, खाइमाश्ता मतलब खरीदे थे, 4 खरीदे थे। गिव मी 5 ATM स्टैम्प्स एंड 2 पोस्ट कार्ड्स प्लीज, मुझे 80N वाली 5 स्टैम्प्स और 2 पोस्ट कार्ड्स दे दीजिए प्लीज। इसको जैपनीज में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। आपके पास 5 सेकंड है, स्टार्ट। तो जैपनीज में इसकी ट्रांसलेशन होगी 80円 の切手を5枚とはがきを2枚ください。80円の切手を5枚とはがきを2枚ください。80円 मतलब 80円, 80円, 80円 の切手 मतलब 80円 के स्टैम्प्स या 80円 वाले स्टैम्प्स, खित्ते स्टैम्प को बोलते हैं। 80円 の切手 80円 वाले स्टैम्प, ओ गोमाई 80円 वाले स्टैम्प 5। अब यहाँ पे देखिए काउंटर लगाया हुआ है माई, क्योंकि जो स्टैम्प होते हैं वो पतली चीज़ है, पतली चीज़ को काउंट करने के लिए जो काउंटर लगाते हैं वो होता है माई। तो 80円 नो खित्ते ओ गोमाई, 80円 वाले स्टैम्प 5। तो का मतलब होता है एंड, और हागाकी मतलब पोस्ट कार्ड, हागाकी ओ निमाई पोस्ट कार्ड 2। ये देखिए दो एक छोटे सेंटेंसेस को कंबाइन किया हुआ है यहाँ पे। पहला पार्ट हो गया हाचीजीयूएन नो खित्ते ओ गोमाई, 80円 वाले स्टैम्प्स 5 और हागाकी ओ नीमाई पोस्ट कार्ड्स 2 कुदासाई, कुदासाई मतलब प्लीज, 80円 वाले स्टैम्प्स 5 और 2 पोस्ट कार्ड्स दे दीजिए प्लीज। आपको कोई चीज़ कहीं से ख़रीदनी होती है, कोई भी चीज़ लेनी होती है, किसी स्टोर पे आप जाते हैं, तो आप
उस चीज का नाम और उसके आगे कुदासाई लगा दीजिए, उसका मतलब यही होता है कि आप इसको लेना चाहते हैं। सर्टेनली दैट्स 500 येन इन ऑल। तो सामने वाले ने रिप्लाई किया कि सर्टेनली श्योर, सब मिला के 500 येन हो गए। इसको जैपनीज में बोला जाएगा हाई ज़ेम्बु दे 500 येन देस। हाई ज़ेम्बु दे 500 येन देस। हाई मतलब यस, ज़ेन्बु होता है मतलब ओवरऑल कॉम्बिनेशन, सब मिलाकर, सब मिलाकर ज़ेन्बु, ज़ेन्बु दे। गो ह्याकुएन 500 येन, दिस मतलब है। हाई ज़ेन्बु दे गो ह्याकुएन दिस। ओके, टोटल मिलाकर 500 येन हो गए। आर देयर फॉरेन टीचर्स एट फुजी यूनिवर्सिटी? क्या फुजी यूनिवर्सिटी में फॉरेन टीचर्स हैं? ट्राई कीजिए इसको जैपनीज में ट्रांसलेट करने की, आपके पास 5 सेकंड है, स्टार्ट। तो इसकी जैपनीज में ट्रांसलेशन होगी फुजीदा इगाकु नि गाइकोकु जिन नो सेंसे गा इमास का। फुजीदा इगाकु नि गाइकोकु जिन नो सेंसे गा इमास का। फुजीदा इगाकु नि, फुजी यूनिवर्सिटी में गाइकोकु जिन नो सेंसे, फॉरेन टीचर्स गा इमास का हैं क्या? फुजी यूनिवर्सिटी में फॉरेन टीचर्स हैं क्या? और इसका आंसर है यस देयर आर 3, दे आर ऑल अमेरिकन्स। हाँ 3 हैं, तीनों अमेरिकन्स हैं। इसको जैपनीज में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, यू हैव 5 सेकंड्स, स्टार्ट। तो इसकी जैपनीज में ट्रांसलेशन होगी हाय 3人 इमास, मिन्ना अमेरिका जेन देस। हाय 3人 इमास, मिन्ना अमेरिका जेन देस। हाय मतलब यस, 3人 मतलब 3 लोग, इमास हैं, हाँ 3 लोग हैं, मिन्ना, मिन्ना मतलब सभी, अमेरिका जिन, अमेरिकन, दिस हैं। हाय सान्नी निमास, हाँ 3 लोग हैं, मिन्ना अमेरिका जिन दिस, सारे अमेरिकन हैं। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? फैमिली को बोलते हैं खाजोकू। तो इसको जैपनीज में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, आपके पास 5 सेकंड है, स्टार्ट। तो इसकी जैपनीज में ट्रांसलेशन होगी काजोकु वा नानिन दिस का। काजोकु वा नानिन दिस का। इसको आप एक सेट फ्रेज की तरह भी याद कर सकते हैं, किसी से पूछना है अगर आपको आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, तो उसको बोलेंगे काजोकु वा नानिन दिस का। काजोकु वा नानिन दिस का, फैमिली में कितने लोग हैं? There are 5, my parents, my elder sister, my elder brother and me. इसको जैपनीज में बोलेंगे गोनिन देस, रियोशिन तो आने तो आनी गा इमास। गोनिन देस, रियोशिन तो आने तो आनी गा इमास। गोनिन मतलब 5 लोग, दिस मतलब है, गोनिन दिस 5 लोग हैं। रियोशिन बोलते हैं पेरेंट्स को, एक दूसरी वीडियो में जिसमें फैमिली ट्री के बारे में पढ़ाया गया है, आप उसको रिवाइज करेंगे तो रियोशिन, आने, आनी, ये सारे वर्ड्स उसमें बताए गए हैं कि अपने फैमिली के मेंबर्स को क्या कहकर बुलाया जाता है। रियोशिन मतलब पेरेंट्स, तो का मतलब होता है एंड, तो पेरेंट्स हैं, आने हैं, आने मतलब एल्डर सिस्टर, आनी, आनी मतलब एल्डर ब्रदर, पेरेंट्स, एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर हैं। हाउ मैनी टाइम्स अ वीक डू यू प्ले टेनिस? आप एक हफ्ते में कितनी बार टेनिस खेलते हैं? इसको आप पहले खुद ट्राई कीजिए, आपके पास 5 सेकंड है, स्टार्ट। जैपनीज में इसकी ट्रांसलेशन होगी इश्यू कानी नांकाई टेनिस ओशिमास का। इश्यू कानी नांकाई टेनिस ओशिमास का। श्यू कान हमने पढ़ा था, वीक्स की ड्यूरेशन को जब हमें काउंट करना होता है तो काउंटर लगता है श्यूकान। एक हफ्ते की ड्यूरेशन की बात हो रही है तो इश्यूकान, एक हफ्ते में कितनी बार टेनिस खेलते हो? इश्यूकान नी नांकाई टेनिस ओ शिमास का, एक हफ्ते में कितनी बार टेनिस खेलते हो? अगर आपका आंसर है आई प्ले इट अबाउट ट्वाइस अ वीक, एक हफ्ते में लगभग या अराउंड 2 बार खेलता हूँ। निकाई गुराई शिमास,
निकाई गुराई शिमास। नंबर ऑफ टाइम्स की आप बात कर रहे हो तो काउंटर लग रहा है काई, निकाई मतलब दो बार, गुराई मतलब लगभग अबाउट, शिमास मतलब खेलने के लिए शिमास वर्ब का यूज होता है। निकाई गुराई शिमास, लगभग दो बार खेलता हूं, अबाउट दो बार खेलता हूं। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी स्पेनिश मिस्टर थानाका? मिस्टर थानाका आपने स्पेनिश कितनी पढ़ी है? इसकी जैपनीज में ट्रांसलेशन होगी, थानाका सान वा दोनों कुराई स्पेन गो ओ बेंक्यो शिमाश्ता का। थानाका सान वा दोनों कुराई स्पेन गो ओ बेंक्यो शिमाश्ता का। थानाका सान मिस्टर थानाका, थानाका सान वा सब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल है, दोनों कुराई कितने समय तक, स्पेन गो मतलब स्पेनिश, ओ पार्टिकल, बेंक्यो शिमाश्ता का मतलब कब तक पढ़ी थी, कितने समय तक पढ़ी थी, थानाका सान आपने स्पेनिश कितने समय तक पढ़ी थी? इसका आंसर है आई स्टडीड इट फॉर 3 मंथ्स, मैंने 3 महीने के लिए पढ़ी थी। सांकागेत्स बेंक्यो शिमाश्ता। कागेत्स काउंटर है जो महीनों को काउंट करने के लिए लगाया जाता है, 3 महीने मतलब सांकागेत्स, बेंक्यो शिमाश्ता पढ़ी थी, सांकागेत्स बेंक्यो शिमाश्ता, ये का यहाँ पे गलती से लिख दिया गया, सांकागेत्स बेंक्यो शिमाश्ता, 3 महीने पढ़ी थी। ओनली 3 मंथ्स यू स्पीक इट वेरी वेल। अब सामने वाला अपना उसको शॉक एक तरह से फील कर रहा है कि अच्छा सिर्फ 3 महीने में आप तो बहुत अच्छी बोलते हैं, तो इसको जैपनीज में बोलेंगे ए सांकागेत्स दाके देस का जोजू देस ने, ए सांकागेत्स दाके देस का जोजू देस ने। ये जो ए है ये अपनी आपको एक तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं आपकी जो फीलिंग है, आप सरप्राइज अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं ए के जरिए, इसका एक कोई वर्ड नहीं है, ये एक साउंड है जिससे आप अपना सरप्राइज दिखा रहे हैं। ए सांकागेत्स मतलब 3 महीने, दाके मतलब ओनली सिर्फ 3 महीने, सांकागेत्स दाके दिस का अच्छा सिर्फ 3 महीने पढ़ी थी, जोजू मतलब अच्छा, दिस ने जोजू दिस ने मतलब बहुत अच्छे हो आप, हाँ यू आर वेरी गुड एट इट, आप इसमें बहुत अच्छे हो। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आगे भी आप ये वीडियोस देखते रहिए, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, और फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं जापान की अपनी फोटोज़ शेयर करता रहता हूँ।